हेलो, माई सेल्फ तनय किशोर मिश्रा। आज हम नए टॉपिक सेट, पाइथन में जो डेटा टाइप्स है उस डेटा टाइप्स में एक सेट हमारा है। सेट मैथमेटिकल सेट्स जो होते थे उसी तरह से ये भी सेट है, जिसमें क्या कहता है कि नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू हम नहीं उसमें स्टोर कर सकते। तो सेट, हम जो भी सेट है उस सेट का कुछ फीचर्स है, उस फीचर्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेट के प्रैक्टिकल के तरफ मूव करेंगे। सो व्हाट इज सेट? अगर हमसे कोई पूछता है कि सेट व्हाट इज सेट, सेट है क्या, तो पहला, सेट इज अ हेटरोजेनियस डेटा कलेक्शन। दूसरा क्या कहता है? सेट इज नॉट अलाउड डुप्लीकेट वैल्यू। इट मीन्स लिस्ट में जैसे हम डुप्लीकेट वैल्यू को इनपुट कर लेते थे, बट सेट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। थर्ड कहता है ये म्यूटेबल है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ म्यूटेबल डेटा कलेक्शन, म्यूटेबल डेटा कलेक्शन। एंड फोर्थ, सेट इज क्रिएटेड विथ सेट मेथड एंड डेटा आर स्टोर्ड इन साइड कर्ली ब्रेसेस। नाउ सेट को हम प्रैक्टिकली अब देखें कि कैसे हम इसमें सेट डेटा स्टोर करेंगे। एक सेट बनाया जिसका नेम है एम सेट। एम सेट इक्वल कर्ली ब्रेसेस में हमने 1 2 3 4 5 6 डुप्लीकेट हमने किया 1 2 3 को, 7 8 9। नाउ अगर हम सेट को प्रिंट करें तो क्या होगा? जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं वो उसको रिमूव कर देगा और यूनिक वैल्यू को प्रिंट कर देगा। वन मोर थिंग सेट के बारे में है, सेट आर नॉट ऑर्डर्ड, सेट आर नॉट ऑर्डर्ड। इट मीन्स सेट डोंट हैव इंडेक्स वैल्यू। अगर हम सेट के इंडेक्स को चेक करना चाहें, सेट में जैसे हमने कहा सेट एम सेट 0, तो ये एरर दे देगा। रीजन कि सेट के अंदर इंडेक्स वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए हमने यहां पे आपको थ्योरी में क्या बनाया, सेट आर नॉट ऑर्डर्ड, इट मींस सेट डोंट हैव अ इंडेक्स वैल्यू, यानी कि उसके पास इंडेक्स नहीं होता, इसीलिए ऑर्डर्ड भी नहीं होता। नाउ सेट को हम स्लाइस भी कर सकते हैं, सेट्स के अंदर वैल्यू और ऐड भी कर सकते हैं। तो सेट में वैल्यू को ऐड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, ऐड एंड अपडेट, ऐड एंड अपडेट। अगर हम सिंगल एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड मेथड को यूज करेंगे। लाइक सपोज हमने कहा 23 और एम सेट एड रमन। नाउ अगर आप एम सेट को प्रिंट करते हो तो यहां पे अब देखिए, रमन को हमने ऐड किया था एंड में, बट आउटपुट जब हमने उसको प्रिंट किया तो रमन हमारा फर्स्ट एलिमेंट शो कर रहा। सो सेट क्या हुआ? सेट ऑर्डर्ड नहीं है। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज सेट इज अ मेथड कॉल्ड अपडेट। अपडेट एक मेथड है सेट के पास, जिससे हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो मल्टीपल एलिमेंट्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने कहा 22, 23, 24, 25। 23 इज डुप्लीकेट, सो व्हाट हैपन, ये हमारा इग्नोर कर देगा और रेस्ट वैल्यू को सेट के अंदर ऐड कर देगा। सो सेट हैव अ टू मेथड, ऐड एंड अपडेट। ऐड इज फॉर द सिंगल एलिमेंट एडिंग एंड अपडेट इज फॉर मल्टीपल डेटा, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक बार में ऐड करना हो तो अपडेट मेथड को हम यूज करते हैं। नाउ डिलीट, सेट के पास मल्टीपल मेथड्स हैं डेटा को डिलीट करने के लिए। पहला मेथड है पॉप। पॉप क्या कहता है? कि वी कैन डिलीट फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द सेट। सेट का जो पहला एलिमेंट होगा उसको पॉप रिमूव करेगा और रिटर्न करेगा। डिलीटेड आइटम आर रिटर्न।
जैसे हमने कहा mset डॉट पॉप। फर्स्ट एलिमेंट इस समय मेरे सेट में क्या था, रमन। सो उसने क्या किया, रिटर्न किया रमन को, और mset को अगर आपने प्रिंट किया तो क्या हुआ, अब जो सेट हमारे पास रिटर्न किया उसमें रमन नहीं है। तो पॉप क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। नाउ सेकेंड मेथड इज mset डॉट रिमूव। रिमूव क्या कहता है कि वी कैन रिमूव वैल्यू। अगर आप किसी भी वैल्यू को रिमूव करना चाहते हो, लाइक हमने कहा 22 रिमूव हमने कर लिया। नाउ mset के अंदर अब हमारे पास रिमूव 22 हमने कर दिया था, सो 22 जो वैल्यू था वो रिमूव हो गया। कहां से, mset से वैल्यू रिमूव हो गया। नेक्स्ट, रिमूव में अगर कोई भी वैल्यू हमने दिया एंड दैट वैल्यू नॉट इन अ सेट, सो इट्स रिटर्न की एरर। अगर आपके सेट में वो वैल्यू नहीं है तो क्या रिटर्न करता है, की एरर। नेक्स्ट मेथड है सेट का डिस्कार्ड। डिस्कार्ड इज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग वैल्यू। किसी भी वैल्यू को रिमूव करना हो तो डिस्कार्ड को हम यूज करते हैं, सेम लाइक रिमूव। बट रिमूव और डिस्कार्ड में डिफरेंस है। रिमूव क्या कहता है कि इफ नो वैल्यू प्रेजेंट देन इट्स रिटर्न की एरर, और डिस्कार्ड क्या कहता है, इफ नो वैल्यू इन अ सेट देन इट कैन नॉट रिटर्न एनी एरर। जैसे अभी हमने रिमूव कर दिया था 23 को, 22 को अगर हम यहां पे डिस्कार्ड में उस वैल्यू को अगेन पास करते हैं डिस्कार्ड 22, तो ये कोई एरर नहीं देगा। तो रिमूव और डिस्कार्ड में डिफरेंस क्या हुआ, रिमूव कहता है कि इफ नो वैल्यू प्रेजेंट देन इट्स रिटर्न की एरर, और डिस्कार्ड कहता है कि अगर आपके सेट में वैल्यू नहीं है तो हम कोई एरर नहीं शो करेंगे, हम प्रॉम्प्ट पे अगेन बैक टू प्रॉम्प्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है सेट का, अगर सेट के सारे एलिमेंट्स को आप रिमूव करना चाहते हो तो क्लियर एक मेथड है, क्लियर को हम यूज करते हैं। क्लियर क्या करता है, वी कैन रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट। जो भी सेट है वहां से सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा और सेट आपका ब्लैंक हो जाएगा। डेल इज अ मेथड ऑफ पाइथन। डेल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पाइथन दैट रिमूव एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो हम डेल को यूज करते हैं। हमने यहां पे डेल mset किया, नाउ mset जो हमारा ऑब्जेक्ट था सेट का वो रिमूव हो गया, इसीलिए जो एरर आया वो क्या एरर आया, नेम एरर। नाउ mset अब मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या किया, दो सेट बनाए, A1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सेकेंड सेट बनाया हमने A2। इसमें हमने कहा 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 फाइन। मेरे पास दो सेट हैं A1 एंड A2। मैथ में है, अगर आप मैथ जानते हो तो आपने पढ़ा होगा यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, डिफरेंसेस, जितने भी मेथड्स हमने मैथ में पढ़े थे इस सेट के साथ वो सारे यहां भी यूज होते हैं। उसको हम इजीली फंक्शन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इन दोनों सेट्स को मर्ज करना चाहते हैं और डुप्लीकेट जो वैल्यू है उसको इग्नोर कर दे और यूनिक वैल्यू को प्रिंट करे, तो उसके लिए हम लिखते हैं A1.union A2। नाउ इट्स रिटर्न अ न्यू सेट दैट इज अ कंबाइंड ऑफ A1 एंड A2। लाइक सपोज A1 और A2 दोनों में 2 है और 4 है, तो उसको उसने एक ही बार किया, रीजन सेट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, फाइन। यूनियन को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, A1 पाइपलाइन A2, इस सिंबल को यूज करके भी हम यूनियन बना सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट इंटरसेक्शन, A1.intersection A2, ये क्या कहता है, इट्स रिटर्न कॉमन फ्रॉम बोथ सेट। जो दोनों सेट के अंदर कॉमन वैल्यू है उसको ये रिटर्न करता है। और अगर इसके लिए हम यूज करना चाहें तो हम
एम्परसेंड साइन एंड सिंबल जो है उसको भी आप यूज करोगे तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्शन वैल्यू को रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट डिफरेंसेस, डिफरेंस क्या कहता है कि पहले सेट में जो वैल्यू है और सेकेंड सेट में नहीं है उसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो डिफरेंस मेथड है मेरे पास a1.difference a2, then it's return only 135, 135 are not in a a2 set. इसको आप ऐसे भी कर सकते हो a1-a2। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जो सेट के मेथड हमने मैथ में पढ़े थे। एक और हमारा है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है, जो दोनों में कॉमन है उसको इग्नोर कर दो और रेस्ट वैल्यू को आप प्रिंट कर दो, a1.symmetric difference a2। नाउ ये क्या करेगा, जो दोनों में हमारे कॉमन थे उनको रिमूव कर दिया और नेक्स्ट जितने भी वैल्यू अनकॉमन थे उसको उसने प्रिंट कर दिया। सिमेट्रिक डिफरेंस का मेन पर्पस यही है। सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ एक और हमारे पास फंक्शन है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट क्या करता है, इन दोनों से जो आउटपुट आया सिमेट्रिक डिफरेंस, जो आउटपुट आया उसको A1 में स्टोर कर देगा। यानी कि A1 में 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। अब हम अगर A1 को प्रिंट करें तो उसका आउटपुट जो आएगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस का जो आउटपुट आ रहा था वो हमारे A1 में स्टोर हो गया। तो अपडेट क्या करता है, अपडेट द वैल्यू इनसाइड फर्स्ट सेट। तो सेट हमारा क्या कर रहा है, सेट एक वैल्यू को कलेक्ट करता है जो विदाउट डुप्लीकेट यानी कि नो डुप्लीकेट्स वैल्यू को अपने अंदर कंटेन करता है। तो ये अभी हमने सेट के बेसिक्स पार्ट्स को डील किया आज के इसमें। नेक्स्ट वीडियो में आज जो हमने किया वो सेट के बेसिक पार्ट को हैंडल किया, नेक्स्ट वीडियो में इसके एडवांस पार्ट को हम हैंडल करेंगे, सेट और लिस्ट को कंबाइंड करके पढ़ेंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए सो दैट कि हम आगे और भी इससे बेटर कंटेंट को डिलीवर कर पाए। थैंक्स फॉर टुडे।